Hello student, I'm Alok from e-learning and today I'm just going to tell you about the chapter Going Places by A.R. Barton. I hope you will enjoy the chapter. This is the chapter in which there is a story about a young girl whose name is Sophie. Sophie is a girl who still goes in a school and she lives in a life of a dream. She always remains in a dream. ये चैप्टर जो है गोइंग प्लेसेस एक ऐसी लड़की की कहानी है, एक यंग गर्ल की जिसका नाम सोफी है, जो सपनों की दुनिया में रहती है, जो स्कूल जाती है और स्कूल उसका अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, बट स्टिल शी हैज अ ड्रीम इन हर माइंड. नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. अ गर्ल नेम्ड सोफी इज कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल. स्कूल से वापस घर आ रही है. हर फ्रेंड जेंसी इज ऑल्सो विथ हर. उसकी जो फ्रेंड है जिसका नाम जेंसी है वो उसके साथ है. ओनली अ फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर देम टू लीव स्कूल. कुछ ही दिन शेष बाकी हैं कि वो स्कूल छोड़ देंगे. सो दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स. और वो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बातें करते हैं कि वो स्कूल के बाद क्या करेंगे. जेंसी इज अ वेरी सिंपल गर्ल. शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल. शी लिव्स इन अ रियलिटी एंड शी हैज नो फॉल्स ड्रीम. कोई ऐसा सपना नहीं जो वो पूरी ना कर सके. She knows that she has been in market for the biscuit factory. और वो जानती है अपनी हकीकत कि अंत में उसको बिस्किट की फैक्ट्री में ही काम करना है. And she seems content with what fate has for her. और उसको ये भी मालूम है कि नियति ने उसके लिए क्या तय किया हुआ है. But Sophie is the opposite of Jensi. But यहाँ पर सोफी जो है बिल्कुल जेंसी से अपोजिट है. She belongs to a rather poor family. एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है. बट शी इज वेरी एम्बिशियस. उसके बाद भी उसकी बहुत सारी एम्बिशियस हैं. और शी इज अ एम्बिशियस गर्ल. शी प्लान्स टू बाय अ नाइस बुटीक. वो प्लान करती है कि वो एक खूबसूरत सा बुटीक खोलेगी फॉर हरसेल्फ. दैट शी हैज सोर्स ऑफ एनी मनी. हालांकि उसके पास कोई ऐसी इनकम नहीं है, इनकम का कोई जरिया नहीं है कि वो इतनी बुटीक खोल सके. बट स्टिल शी हैड ड्रीम्स दैट शी हैव अ बुटीक. Then she says she will become a manager straight. Oh, ये भी कहती है कि वो direct manager बन जाएगी. She dreams to be an actress. और उसका सपना है कि अगर वो boutique में नहीं खोल सके या manager नहीं बन सके तो वो एक actress बन जाएगी. और a fashion designer या फिर एक fashion designer. Jensi tries to warn her against such false dream. हालांकि उसकी जो फ्रेंड है जेंसी वो अक्सर उसे बताती रहती है कि ये झूठे सपनों से बाहर निकले और हकीकत की दुनिया में आए. बट सोफी डजंट लिसन. लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है. सोफी लिव्स विद हर फादर मदर एंड अ लिटिल ब्रदर नेम्ड डेरेक. सोफी जो है अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ, एक छोटे भाई जिसका नाम डेरेक है और एक बड़ा भाई जिसका नाम जेफ है उसके साथ रहती है. एंड द फादर सीम्स टू बी अ केयरफ्री पर्सन. And he goes to the pub whenever he likes. बिल्कुल carefree person है और अक्सर क्लबों में जाते हैं. And the poor mother has to attend the whole household work. और माँ को घर के सभी कार्यों को करना होता है. Jeff has been 3 years out of school. Jeff को स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं. And works an apprentice mechanic. और एक apprentice mechanic के तौर पर वो काम करता है. He is very quiet. अक्सर वो शांत रहने वाला इंसान में से है. sort of person and hardly shares with anyone his outside activities. और अपने कामों के साथ बाहर की जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम ही लोगों के साथ शेयर करता है. सोफी has a great faith in her elder brother. लेकिन सोफी वो अपने elder brother से ज्यादा अटैच है. वो अपनी हर एक बात अपने भाई के साथ शेयर करती है. She shares all her so-called secrets with him. She is certain that Jeff would never let her down. और उसे मालूम है कि उसका भाई कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा. And she often wishes, और वो हमेशा ये चाहती है, that Jeff took her out with him on his visit outside the town. कि जब भी Jeff बाहर जाए या शहर में कहीं भी जाए, वो Jeff उसे अपने साथ लेकर जाए. But Jeff thinks her too young. लेकिन इसके अपोजिट जॉफ का मानना है कि शी इज टू यंग. वो बहुत छोटी है इस तरीके की पार्टीज में या बाहर जाने के लिए. हर फादर आल्सो डज नॉट अलाउ सच अ थिंग. उसके फादर भी इन सब बातों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं. वन डे और एक दिन सोफी शेयर्स अ सीक्रेट विद जॉफ. सोफी
जो आपसे एक सीक्रेट शेयर करती है. ही इज सिटिंग इन हिज रूम, जब वह अपने कमरे में बैठा होता है और मोटर पार्ट्स के साथ कुछ वर्क कर रहा होता है. शी टेल्स हिम, और वो उसे बताती है हाउ शी हैड चांस मीटिंग विद डेनी कैसी, कि किस तरीके से वो डेनी कैसी से मिली, हु वाज अ वेरी फेमस आयरिश लीग प्लेयर, जो एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर है. शी सेज दैट शी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ शॉप विंडो, वो बताती है कि वो शॉप विंडो के बाहर खड़ी हुई थी. And when someone came and stood beside her, जब कोई आता है और उसके beside, उसके साथ में खड़ा हो जाता है. When she looked around, और जब वो देखती है मुड़कर, she was surprised, उसे आश्चर्य होता है, to see that it was Danny Casey, कि ये तो Danny Casey है. In the meantime, और उसी समय, Sophie's father came in. Sophie के father room में enter करते हैं, and Geoff tells him, और Geoff उन्हें बताता है कि about what Sophie has said, जो भी Sophie ने कहा Danny Casey के बारे में. Sophie trembles, वे डर जाती है in herself because she is mortally afraid of her father, क्योंकि वह अपने पिता से थोड़ा डरती थी. That father speak of Danny very lightly, लेकिन उसके जो father हैं, वो Danny Casey के इस episode को बहुत lightly लेते हैं and says, और ये कहते हैं that he is not that good a player, कि वो इतना अच्छा player नहीं है. At that, और उस moment पे Sophie starts talking of Danny is in very high terms. और वो डेनी के बारे में काफी बातें करने लगती है. She even says that he is going to buy a shop. और वो ये भी यहाँ तक कहती है कि डेनी कैसी सोफी के लिए एक शॉप भी खरीदने वाला है. At this, और इस बात पर the father remark, और फादर कहते हैं one of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, कि एक दिन तुम अपनी इन्हीं बातों की वजह से एक भारी मुसीबत में आ जाओगी. Sophie tries to make Geoff promise. Sophie Geoff से promise लेना चाहती है that he will not disclose her secret to anyone, कि वह ये secret किसी के साथ disclose नहीं करेगा, किसी को नहीं बताएगा. Geoff says, Geoff ये कहता है nothing to tell is there, कि इसमें कुछ बताने के लिए तो है ही नहीं. However, she informs him that she had a lot of intimate talks with Danny, कि वो बताती है कि उसकी काफी सारी intimate हैं डैनी के साथ, and that he has taken offense to her, और वो उसको हमेशा इन बातों में सपोर्ट भी करता है. She says that Danny has even promised, कि डैनी ने उसको प्रॉमिस किया है to meet her alone, कि वो उसे अकेले में मिलेगा. And at this, और इस बात पर Geoff says it's the unlikest thing I ever heard, कि ये तो अजीब ही बात है जो मैंने अब तक सुनी है. Clearly, he does not believe Sophie's story. और ये जाहिर था कि उसे सोफी की स्टोरी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था. The story of Sophie's so-called meeting with Danny spread in the neighborhood. और सोफी की ये डैनी कैसी की मुलाकात वाली बात जो थी या कहानी जो थी चारों तरफ फैल जाती है. And even Jency talks to Sophie about it. यहाँ तक कि Jency भी सोफी से इस बारे में बात करती है. Sophie talks in such a way was to make Jency believe that the story is fact. और वो इस तरीके से बर्ताव करती है जैसे कि Jency को भरोसा हो जाए कि ये जो कहानी है हकीकत है. But ask her to promise that she will keep it a secret. लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे कहती है, Jency से कहती है कि वह इसे secret रखेगी. In her dream imagination, Sophie comes to believe that Danny has really promised to meet her alone. और वो अपने सपनों में देखती है, ख्वाबों में देखती है कि वो हकीकत में Danny कैसी से मिलती है. She goes to her scheduled place. और वो scheduled place पर जाती है, by the side of the canal, जो canal के side में है. There she keeps sitting. और वे वहाँ बैठी रहती है. On the bench, bench पर, waiting for him, उसका इंतजार करते हुए हैं. In her heart of hearts, और she knows that he won't come. और वो अपने हृदय में जानती थी कि उसका ये इंतजार बेकार है, क्योंकि Danny Casey उससे नहीं मिलने आएगा. Yet she keeps waiting. लेकिन फिर भी वह इंतजार करती रहती है. Inside deception. At last, और अंत में, she begins to feel sad. उसे उदास होना पड़ता है. वह उदास हो जाती है. And leaves the place. और उस जगह से चली जाती है. She feels broken hearted. उसका हृदय टूट जाता है. She has also a fear. उसके दिमाग में एक डर ये समा जाता है that she will become a butt of ridicule, कि वह बातों का एक जरिया बन जाएगी. In the neighborhood, पूरे पड़ोस में. Thus, Sophie has to suffer because of her dreamy and self-deception ambition. और इस वजह से सोफी को झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इतने एक झूठ के बोझ तले उसे जीवन व्यतीत करना पड़ेगा.
This is the story, Going Places. I hope you have liked the story. If you like the story, don't forget to click the like button and subscribe the channel.